सोलन के नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन समारोह पर केंद्र में प्रशिक्षण लेने वाली युवतियों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हाथ से तैयार किए गए विभिन्न सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। ये सामान महिलाओं ने घरों में वेस्ट पड़े सामान से तैयार किया है। इस संस्थान में बेरोजगार महिलाएं पिछले 3 माह से प्रशिक्षण लेकर सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही हैं, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र सोलन की समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि महिलाओं को प्रशिक्षण में सिखाए गए सामान की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से इनका मनोबल बढ़ेगा, वो यह भविष्य में बेहतर कार्य करने को प्रेरित रहेंगी। नेहरू युवा केंद्र के जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स की हमने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। इन कार्यक्रम का करने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं, वो वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सके जिसके के मार्केट में बेच सके। आज के जो आप सामान देखेंगे, उसमें चीड़ की पत्तियों से, घर में बचे हुए कपड़ों से, टेडी बियर्स है, पर्स है, वो सारे आइटम जो बचे खुची चीजें हैं या वेस्ट हो चुकी हैं, उनको उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है और मार्केट में सेल करने के लिए उनका एक रोजगार का साधन बन सके। और जो बच्चे समय उनके पास पढ़ने के साथ साथ 2-3 घंटे बचते हैं, वो 3 घंटे ही वो नेहरू युवा केंद्र के सेंटरों में आते हैं और एक क्रिएटिविटी उनके दिमाग में आती है कि हम किस तरह से छोटे चीजों को नए प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं।